हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो, नया जानकारी, नया टॉपिक के साथ। दोस्तों, आप भी एक पासपोर्ट साइज की फोटो बनाना चाहते हो अपने मोबाइल से ही, और अपने मोबाइल से ही प्रिंट आउट निकल सकते हो कोई भी प्रिंटर से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, जो मैं एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ वो एप्लीकेशन बहुत अच्छा है दोस्तों। इजी तरीका से और फास्ट तरीका से आप पासपोर्ट साइज की फोटो आप एडिट कर पाओगे और प्रिंट कर पाओगे, मल्टीप्लाई ऐड कर पाओगे फोटो को। वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आपके पास आते हैं, बहुत सारे फोटो आप खींच के अपने मोबाइल से ही खींच के आप मल्टीप्ली फोटो एडिट करके आप एक साथ रख के प्रिंट आउट निकल सकते हो, पूरा टाइम बच जाता है दोस्तों। जो मैं एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। एक गुजारिश है दोस्तों, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन है तो उसको दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, चलो हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कौन सा एप्लीकेशन से मैं फोटो, जो पासपोर्ट साइज की फोटो में एडिट करता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाना है। जाने के बाद जो आपको ये लोगो दिख रहा है दोस्तों, पासपोर्ट फोटो एडिटर जो एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको इंटरफेस आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखने के बाद उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे न्यू फोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इंडिया पासपोर्ट का एक ऑप्शन है, और बहुत सारी कंट्री का यहाँ पे बहुत पासपोर्ट का दिया गया है, ठीक है। आप इंडिया से ब्लिंक करते इंडिया से का पासपोर्ट यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो इंडिया का स्टाम्प फोटो भी यहाँ पे बना सकते हैं बहुत सारे। और यहाँ पे देखिए, नीचे देख सकते हैं दोस्तों, प्लस का आइकन दिखाया गया है, एड योर वन साइज, आपके कस्टमाइज कर सकते हैं कौन सा साइज की फोटो यहाँ पे बना सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे साइज बना के ही कस्टमाइज करके आपको साइज के अनुसार आप फोटो निकाल सकते हो, ठीक है। और तो मैं अभी के लिए मैं पासपोर्ट साइज के यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिया गया है इमेज रिजोल्यूशन का। तो यहाँ पे 300 dpi है, 450 dpi आई है, और 600 dpi आई है, ठीक है। यहाँ पर मैं 300 dpi रखता हूँ, यहाँ पे ओके पर बटन पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों, एक कैमरा एंड गैलरी, ठीक है। अगर कोई भी कस्टमर आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप कैमरा से ऑन करके ही आप उठा सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। नहीं तो पहले से अगर कोई पासपोर्ट है उसका फोटो, नहीं तो आपको नॉर्मल कैमरा से भी फोटो उठा के, ठीक है, आप गैलरी पे जाके जाने के बाद कोई भी एक फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो भी बैकग्राउंड कलर होगा चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लेता हूँ एक फोटो, लेने के बाद यहाँ पे स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको एडजस्ट भी कर सकते हो, मेरा पोजीशन ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद एक क्रॉप करने के लिए ऑप्शन आ गया दोस्तों, बहुत इजी तरीका है दोस्तों, आप कुछ नहीं करना है, कुछ सिंपल स्टेप है वहाँ पे फ्लो करना है, और आपको पासपोर्ट रेडी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे रख के मैं क्रॉप पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो को ब्राइटनेस कंट्रास्ट एक्सपोज करके आप बना सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पे कंट्रास्ट पर क्लिक कर पूरा बैकग्राउंड भी ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत रेड हो गया, थोड़ा ऐसे करके मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो बस इतने आपको रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की भी जो ओके ग्रीन सिंबल दे दिया, नहीं तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। और आई विल डू इट माइसेल्फ पे भी क्लिक करके यहाँ पे जो चार तरीके हैं, आपको चारों तरीके से आपको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कौन सा क्या काम करता है। यहाँ पे मैजिक पर मैं क्लिक करता हूँ, करने के बाद देखिए मैं ऐसे लाके इस साइड में ऐसे लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकग्राउंड जा
क्लियर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मैं छोड़ दूंगा, ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड का रिमूव हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कलर भी आप देख सकते हो, जैसे कि कलर आप देख सकते हो इसे, ठीक है। और कोई भी छूट गया है तो यहाँ पे ऐसे करके आओ, बहुत इजी है दोस्तों। ये तो एक ऑप्शन, ठीक है। मैं दूसरा ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, फिल। जो फिल का ऑप्शन है बहुत इजी है, ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। आपको कुछ करने का जरूरत है, आपको एक क्लिक में ही आपको बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ गायब, ठीक है। आप यहाँ कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यह बेस्ट तरीका आर ए के रिफाइन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बस कुछ नहीं, ऐसे करने से भी कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं खाली साइड में ऐसे खिंचकाना है, ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड क्लियर रिमूव हो जाएगा। कुछ नहीं खाली साइड में ऐसे खिंचकाना है, ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड क्लियर रिमूव हो जाएगा। और एक है मैनुअल दोस्तों, ये आपको मर्जी से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको ऐसे एडजस्ट करना होगा आपके मैनुअल तरीके से। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों फील का ऑप्शन, ठीक है। सबसे ऐसे एक क्लिक में ओके हो जाता है, उसके बाद हम ओके पर बटन क्लिक करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मर्जी से कोई भी एक कलर चेंज कर लेना है, ठीक है। मैं व्हाइट, नहीं तो यहाँ पे रेड भी दे सकते हो, ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड रखता हूँ और फोटो को थोड़ा स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है। स्मूथ हो रहा है दोस्तों, होने के बाद डन पर क्लिक करता हूँ तो सब कुछ ठीक है। होने के बाद यहाँ पे एड ऑन आउटलाइन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो बॉर्डर है वो बॉर्डर सेट हो जाएगा। ये बॉर्डर को भी आप कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर लेके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो JPEG का क्वालिटी भी रख लेना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। डन पर क्लिक कर देना है एंड फिनिश पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हम बनाएंगे मल्टीफाई फोटो, ठीक है, एडिट कैसे करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे फोटो दे दिया गया है, ठीक है। जो आप फोटो एडिट करते हो तो आप माई फोटो पर आता है, आने के बाद आप ऐसे एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है एंड प्रिंट मल्टीप्लाई कॉपीज का ऑप्शन आ गया है। एक बहुत सारे पेपर का साइज दिया गया है दोस्तों, मैं यहाँ 4.6 की पेपर यहाँ पे ले जाऊंगा, ठीक है। जो 10x15 cm का कॉपी है, जो ऑटोमेटिकली 6 कॉपी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ से आप गैप भी कर सकते हो बड़ा करके, यहाँ पे कॉपी कौन कितना कॉपी चाहते हो उतना कॉपी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 4.6 में 6 कॉपी आ रहा है, यहाँ पे भी 8 कॉपी आएगा। कैसे आएगा, ये जो 4.6 फोटो को आपको रोटेट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रोटेट करने की, रोटेट करेंगे तो यहाँ पे और 2 कॉपी यहाँ पे ऐड होगा, जैसे कि 1, 2, ठीक है। तो 8 फोटो हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेव कर देंगे और यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप प्रिंट आउट निकल सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको मल्टीप्लाई फोटो आप कैसे ऐड कर सकते हो दोस्तों, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक फोटो आप सिलेक्ट किया है और एक फोटो सिलेक्ट किया है, ठीक है। मैं सबका फोटो एक एक लेता हूँ, ठीक है। एक फोटो है, मैं यहाँ पे 4 लिया हूँ, आप 10 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई उसका मतलब नहीं है। और कंबाइन फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 4.6 की है। आप इस कस्टमर का कितना फोटो चाहिए, मान के चलो 2 चाहिए, इसका 3 चाहिए, ठीक है। और इन
एक चाहिए मान के चलो, इसका दो चाहिए रिटोट करेंगे, और दो फोटो चाहिए ठीक है, तीन फोटो चाहिए। इससे करके आपको टाइम भी सेव हो जाएगा और बहुत इजी है दोस्तों। इससे करके आप पासपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हो। तो एक तो हो गया और हम देखेंगे और एक फोटो सबको हम सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद ए4 साइज के पेपर में ठीक है। कितना सारे होगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे फोटो होगा यहाँ पे। आप टप टप करके टप 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 बहुत सारे फोटो होगा दोस्तों, इसका रोटेट करेंगे तो। तो हेलो दोस्तों, आप भी फोटो बनाना अगर सीख चुके हैं तो, और उसका प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। नहीं तो मैं एंड स्क्रीन के भी माध्यम से आपको वीडियो वहां पे लिंक छोड़ दूंगा, वहां पे जाके भी देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं और फिर से मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन है तो उसको दबा कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय।